दोस्तों बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक राजकुमार राव अब एक बायोपिक में नजर आने वाले हैं। अपने प्रदर्शन से अपने फैंस और दर्शकों को अक्सर चौंकाने वाले राजकुमार राव अब एक बेहद चुनौतीपूर्ण रोल में दिखाई देंगे। हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म श्रीकांत में से उनका पहला लुक रिलीज हुआ है। तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजकुमार राव के अलावा ज्योतिका, अलाया एफ और शरद केलकर जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी नजर आने वाले हैं। टी सीरीज और चौक एंड चीज फिल्म्स द्वारा निर्मित ये फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला के दृढ़ संकल्प, साहस और विजय की एक असाधारण यात्रा को प्रदर्शित करती है। श्रीकांत ने विजुअल इम्पेयरमेंट का सामना करने के बावजूद सफलता के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए सभी बाधाओं को हराया। फिल्म 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके टीजर ने अभी से हलचल पैदा कर दी है। फिल्म के फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर में कैद एक सीन में श्रीकांत के रूप में राजकुमार को एक दौड़ की फिनिश लाइन पार करते हुए देखा जा सकता है, जो उनके अटूट साहस और दृढ़ता का प्रमाण है। मोशन पोस्टर में सदाबहार गाना पापा कहते हैं के बोल भी सुनने को मिलते हैं। फिल्म श्रीकांत को तुषार हीरानंदानी ने निर्देशित किया है। वहीं फिल्म भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि परमार हीरानंदानी द्वारा निर्मित है। ये फिल्म 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के अवसर पर देश भर में रिलीज होने के लिए तैयार है। राजकुमार राव वैसे तो हर बार अपनी एक्टिंग स्किल से दर्शकों को इम्प्रेस करते आए हैं, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण किरदार के साथ वो कितना इंसाफ करते हैं, दर्शक ये देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।